नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की रक्षा से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ग्रीस से। भारत, ग्रीस और फ्रांस, इनका क्या गठजोड़ है ये आपको पूरा बताता हूँ। और इस बातचीत से, इस ऑफर से आखिर ऐसा क्या भारत को अचीव होने वाला है, पूरी न्यूज को विस्तार से समझाता हूँ। दोस्तों आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर ये न्यूज है क्या। दोस्तों दरअसल अभी भारत कुछ राफेल परचेस करना चाहता है इंडियन नेवी के लिए एम वेरिएंट के, जिससे कि वो लेने हैं हमें फ्रांस से। लेकिन फ्रांस ने उन राफेल की जो प्राइस है अचानक से बढ़ा दिए हैं, और ऐसे वैसे नहीं बढ़ाए हैं, वो प्राइस लगभग डबल कर दिए हैं। यानी कि जो हमें राफेल अभी चाहिए, अब उनकी कीमत करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की होगी। तो ये जो कॉस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा है, जबकि ये जो फाइटर जेट हैं, जो भी राफेल आने चाहिए, ये करीब 30,000 करोड़ के अंदर आ जाने चाहिए थे, क्योंकि हम पहले भी राफेल परचेस कर चुके हैं फ्रांस से, तब से और आज में। हालांकि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि डबल हो जाए प्राइस लगभग, ठीक है दोस्तों। तो इतनी ज़्यादा ये महंगी हो गई है, तो भारत इसके लिए फ्रांस से बातचीत कर रहा है। फ्रांस की जो कंपनी है दसॉल्ट, बातचीत चल रही है, लेकिन वही है कि अभी उस पर कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो और ऐसे जैसे हम परचेस करना चाहते हैं राफेल फ्रांस से, ऐसे ही कुछ और भी कंट्रीज हैं जो परचेस करना चाहते हैं, जैसे कि ग्रीस है। ग्रीस भी परचेस करना चाहता है, तो ग्रीस के साथ भी सेम कंडीशन है। उसको भी जो परचेस करने के लिए जो कॉस्ट बताई गई है वो बहुत ज़्यादा बताई गई है, तो वो भी चाहता है कि ये कुछ बातचीत करे और वो प्राइस कुछ कम हो जाए। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अचानक से अभी क्या है कि भारत और ग्रीस, इन दोनों के बीच में एक ट्रेनिंग हुई, मतलब एक तरह से ये युद्ध अभ्यास तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हर दोनों देशों के बीच में एयरफोर्स की ट्रेनिंग हुई। तो जब ट्रेनिंग हुई तो वहाँ पर ग्रीस के जो एयरफोर्स है उसने भारत को एक ऑफ़र दिया, और वो ऑफ़र ये है कि उन्होंने ये बोला कि भारत से कि आइए हम और आप दोनों लोग मिलकर साथ में फ्रांस से बात करते हैं कि हमें राफेल परचेस करने हैं, और आप हमें उसके कम प्राइस पे दे दीजिए, जिससे हमारी बारगेनिंग पावर बढ़ जाए। दोस्तों ये खैर सजेशन, जो ऑफ़र है ये कहीं से कोई बुरा ऑफ़र नहीं है, ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र है भारत के लिए कि भारत और फ्रांस दोनों, अगर भारत और ग्रीस दोनों अगर मिलकर राफेल के लिए बात करेंगे फ्रांस से, तो फ्रांस के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव आएगा। दबाव इसलिए आएगा क्योंकि दोनों एक साथ बायर मिल गए हैं, और जब बायर दोनों मिलकर अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस कुछ कम तो करने पड़ेंगे फ्रांस को। दोस्तों अच्छा, राफेल अचानक से इनको क्यों चाहिए ग्रीस को? दरअसल दोस्तों ग्रीस अपने कुछ पुराने फाइटर जेट हटा रहा है, जिसमें F-16 है और मिराज 2000 है। तो F-16 जो रिटायर करेगा और मिराज जो रिटायर करेगा, उसकी जगह वो राफेल परचेस करना चाहता है, और अमेरिका का जो F-35 है वो परचेस करना चाहता है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी, वो न्यूज ये थी कि ग्रीस भारत को अपने मिराज 2000 कुछ बेचना चाहता है, और भारत उस पर विचार कर रहा है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि ग्रीस अपने रिटायर करेगा और भारत उसको परचेस करेगा, ऐसा है। तो दोस्तों ये तो खैर कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो न्यूज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों भारत को ये जो ऑफ़र मिला है, हालांकि अभी भारत उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, भारत ने ग्रीस का ये ऑफ़र, भारत अभी उस पर विचार कर रहा है। भारत विचार ये कर रहा है कि अगर हम दोनों लोग साथ में बातचीत के लिए जाते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे। परिणाम का मतलब कि हमें फिर राफेल जो मिलना है उसको मिलने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि किसी भी वेपन, किसी भी फाइटर जेट, उसकी डिलीवरी बहुत मायने रखती है। वो कॉस्ट क्या है वो तो है ही है एक बात, लेकिन उसकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपको कितनी जल्दी वो मिल गया। क्योंकि अगर उसमें बहुत लंबा समय लगता है तो वो तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर भारत ये भी देखेगा कि वो कि उसकी क्वालिटी वगैरह तो जो है वो देखेगा ही, लेकिन उसकी डिलीवरी क्या है, साथ में वो इंटरनेशनल रिलेशन भी देखेगा कि किस टाइप का रिलेशन हमारा और ग्रीस से बात करने के बाद फ्रांस से रह जाएगा।
क्योंकि फ्रांस को भी बनी बात है ये कोई बहुत अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं फ्रांस को भी ये बात बुरी लगेगी, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए भारत अभी इनके इस ऑफर पर विचार कर रहा है, अब देखना ये होगा कि क्या होता है दोस्तों। लेकिन भारत को जो ये मिराज परचेज करना है इनसे, ग्रीस से, उस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि हमको पुराने फाइटर जेट नहीं परचेज करने चाहिए। वो इसलिए नहीं परचेज करने चाहिए क्योंकि अब उसमें वो दम नहीं रहा होगा, तभी तो ग्रीस बेच रहा है, तभी वो अपने यहाँ रिटायर कर रहा है। अब कोई एक एयरफोर्स सोचिए अपनी जो चीज़ों को रिटायर कर रही है और हम उसको परचेज करने जा रहे हैं, हालांकि हम फाइटर जेट जो राफेल परचेस कर रहे हैं वो तो दमदार है, तो हमें कुछ ऐसी ही चीज़ चाहिए, कोई दमदार वाली चीज़ चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन देश हैं अगल बगल दोनों, पाकिस्तान और चाइना, दोनों ही कोई कमज़ोर नहीं है। F-16 जैसे फाइटर जेट है पाकिस्तान के पास, और चाइना के पास तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों जब दोनों हमारे दुश्मन लोगों के पास अच्छी चीज़ें हैं तो हमारे पास भी तो अच्छी ही चीज़ होनी चाहिए, उसमें से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इस पर कोई अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।